Hello students, welcome back all of you. In this video we are going to start your new chapter, chapter number 7, which is dissolution of partnership firm. Chapter number 6, retirement, हमने last video में complete किया था और मैंने आपको exercise के sum solve करने का homework दिया था. आई होप वो सारे सम आपसे सॉल्व हो चुके हैं एंड रिटायरमेंट चैप्टर अब आप सबको आता है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट पार्ट 1 विच इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सो फार वी हैव अंडरटेकन द स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट टू कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन स्पाइट ऑफ चेंजेस in partnership due to the admission of a partner or retirement or death of a partner. This brings to the end of a partnership but it is not dissolution of a partnership firm. अब तक हमने सीखा है कि अगर कोई भी नया partner business में enter करता है या तो फिर जो continuing partner है उसकी death हो जाती है या तो फिर वो retired हो जाता है तो उसकी वजह से पार्टनरशिप का एंड होता है ना कि पार्टनरशिप फर्म का. पार्टनरशिप फर्म यानी कि कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी जो रन कर रहे हैं पार्टनर्स. सो बिकॉज ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट देर आर एंड ऑफ पार्टनरशिप नॉट पार्टनरशिप फर्म. द पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड व्हेन द करंट बिजनेस इज क्लोज्ड एंड ऑल पार्टनर्स गेट सेपरेटेड. पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली कब एंड में होती है, या तो करंट बिजनेस जो है उसको क्लोज कर देते हैं तो पार्टनर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सेपरेट. वी विल स्टडी द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डिसोल्यूशन इन दिस चैप्टर. डिसोल्यूशन यानी कि कोई भी कंपनी अब क्या होकर हो जा रही है, बंद हो जा रही है, उसका एंड हो जा रहा है. सेकेंड इज मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन. Dissolution means end of existence. The simple meaning of dissolution is end of existence. यानी कि अब उसका कोई भी existence नहीं है in the market. Here dissolution is to be studied in context to dissolution of partnership and partnership firm. यहाँ पे बात हो रही है partnership का end या तो फिर partnership firm का end. Where two issues are considered for dissolution. First is dissolution of partnership firm and another is dissolution of partnership. First one is अगर partnership firm जो भी कंपनी है जो भी बिजनेस है वो एंड हो जाता है वो क्लोज हो जाता है. और दूसरा है dissolution of partnership यानी कि अगर कोई भी एडमिशन आया या तो फिर रिटायरमेंट हुआ तो उसकी वजह से एंड ऑफ पार्टनरशिप जो पहले से पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है उसको कैंसिल करके अब दोबारा से नई बनानी पड़ेगी. सो इट इज नोन एज एंड ऑफ पार्टनरशिप. एंड अगर कंपनी ही बंद हो जा रही है इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. हियर व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस ऑन अ परमानेंट बेसिस. कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाता है ऑन परमानेंट बेसिस और अ फर्म बिकम नॉन एग्जिस्टेंस फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. What is the meaning of dissolution of partnership firm? When a partnership firm closed down its business on a permanent basis. अगर कोई भी partnership firm जो है वो बंद हो जा रही है और उसका business जो है वो close हो जा रहा है तो it is the dissolution of partnership firm. In brief, when a running firm is closed and its business activities are closed, it is dissolution of partnership firm. उसकी जितनी भी running activities है वो सारी बंद हो जा रही है तो उसको बोलते हैं dissolution of partnership firm. When except one partner, all partners get separated from a firm, this is also an end of partnership. अगर एक पार्टनर के सिवा सपोज कि चार पार्टनर बिजनेस को रन कर रहे थे, अब तीनों पार्टनर्स अगर सेपरेट हो चुके हैं तो एक पार्टनर बचा है. अगर एक पार्टनर बचा है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, वो क्या हो जाएगा फिर सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, राइट. सो अगर एक ही पार्टनर बचता है बिजनेस में तो वो भी पार्टनरशिप जो है उसका एंड हो जाता है. इफ दिस कंटिन्यूस वन पार्टनर विल बिकम द ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म. In this case, also a partnership firm gets dissolved. When running business of a firm is sold to a joint stock company, it is also dissolution of partnership firm. अगर कोई भी है वो
फर्म है, कोई भी बिजनेस है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को सेल हो जाता है तो वो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या मीनिंग है उसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन ऑल पार्टनर्स गेट सेपरेटेड थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दैट ब्रिंग्स एंड ऑफ देयर पार्टनरशिप, इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। In this manner, when partnership is dissolved and closed down the firm, it is dissolution of firm. The business of the firm is closed down in these circumstances as the result of dissolution, liabilities of the firm are paid from the realization of the sale of asset. From the remaining surplus capital of partners, it is redeemed as per their contract. इसमें क्या होता है? Dissolution of firm. अब क्या है, कंपनी को क्लोज कर देना, तो कंपनी ने जितनी भी लायबिलिटीज ली होगी, कंपनी की जितनी भी असेट्स है वो सारी बेच देनी है। सपोज कि कंपनी की कोई भी असेट है, उसका जितना मशीनरी है, फिर अगर उसकी बिल्डिंग है, वो सारी बेच के उसमें से जो रुपए बिजनेस को मिलते हैं उसमें से वो क्या करेगा, लायबिलिटी जितनी भी लायबिलिटी फर्म की है वो पे करेगा। फिर भी अगर कुछ सरप्लस बच जाता है, सपोज असेट के मिले अराउंड 50 लाख और उसकी लायबिलिटीज है 40 लाख, तो 10,000 इज सरप्लस। अब 10,000 जो बचा है वो जब पार्टनर ने फॉर्म स्टार्ट किया होगा तो पार्टनर सारे कैपिटल लेके आए होंगे। अब जितना भी सरप्लस बचा है उनको एज पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पार्टनरशिप डीड में जितनी भी प्रोविजंस होगी उस हिसाब से सारे पार्टनर्स को अपने रुपये वापस से दिए जाएंगे। इसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ऑफ असेट, देन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, फिर भी अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो भी पार्टनर्स को रुपए वापस मिलेंगे इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और ड्यू टू एनी अदर रीजन एंड रिमेनिंग partners keep business continuous, it is a dissolution of old partnership. अब partnership firm जो है वो continue रहता है because of अगर कोई भी partner नया आया, फिर कोई partner retire हो गया, फिर कोई partner की death हो गई या तो फिर any other reason की वजह से partnership firm close नहीं होता, सिर्फ क्या end होता है, partnership. Except outgoing partners, remaining partners keep business continuous. Consequently, new partnership takes place. Generally, the proportion of partnership changes between continuing partners. In these circumstances, partnership firm does not get dissolved, but new partnership comes into existence due to reorganization of partnership. Partnership is a relation of a partners, while firm is a group name of all partners. अगर कोई भी नया पार्टनर आया या तो फिर गया, उससे पार्टनरशिप फॉर्म चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ किस में होगा, पार्टनरशिप डीड में। पार्टनर्स अगर नया आएगा तो ओल्ड पार्टनर जो है उसके रेशियो चेंज होंगे, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगा, उसका अनदर जो भी प्रोविजन है उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एज इट इज कंटिन्यूसली रन होगा बाय रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। दिस डिफरेंस इज मोस्ट आईएमपी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थियोरिकल जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये डिफरेंस कई बार पूछा गया है, दिस इज आईएमपी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ मीनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसका मीनिंग क्या है? Reorganization of partnership means dissolution of partnership. अब reorganization of partnership means dissolution of partnership, यानी कि जो भी business में जितने भी transaction है उस सबका reorganization of partnership means उसका क्या करना है, dissolution, यानी कि अब company close हो जाती है उसको बोलते हैं dissolution of partnership. Dissolution of partnership firm means permanent end of partnership firm is dissolution of partnership firm.
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है सारे ट्रांजेक्शन का, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो जाता है, परमानेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यानी कि एंड ऑफ पार्टनरशिप, परमानेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म रिमेन्स कंटिन्यूअस। फॉर्म तो उसमें रहता ही है, सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं इन पार्टनरशिप। फॉर्म तो एज इट इज जो है वो बिजनेस रन होगा। इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दिस इज एन एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्म ही क्लोज हो जाएगा, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिमेन कंटिन्यूअस। उसमें क्या, कंपनी तो चलती ही रहनी है, सो बुक्स ऑफ अकाउंट भी उसी तरह से मेंटेन होंगे। बट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज, क्योंकि अब कंपनी ही बंद हो रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या हो जाएंगे, बंद। नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नो अकाउंट्स आर सेटल्ड, बट प्रॉफिट और लॉस अराइजेस ड्यू टू रीवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड और डेबिटेड रिस्पेक्टिवली टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरली अकाउंट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स आर सेटल्ड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर नया पार्टनर कोई भी एडमिशन ले रहा है या तो कोई रिटायर हो रहा है, तो उस हिसाब से रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले फाइंड किया जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरली इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कौन से अकाउंट सेटल किए जाएंगे, जो रिटायर हो रहा है या तो फिर जिसकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ उसी का अकाउंट सेटल होगा, बाकी के एज इट इज इफेक्ट देकर आगे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर किए जाएंगे। इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट्स आर सेटल थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ असेट इज डन एंड लाइबिलिटीज आर पेड, सरप्लस अमाउंट इज पेड टू पार्टनर्स फॉर देयर फाइनल सेटलमेंट। जैसा कि मैंने बोला, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले असेट सारी बेच दी जाती है, उससे फॉर्म की जितनी लायबिलिटीज है वो पे की जाती है, उसके बाद अगर सरप्लस बची है तो जो पार्टनर्स है कंपनी के उसके फाइनल, उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाता है इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट। इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट इज वॉलेंटरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नो नीड ऑफ कोर्ट इंटरफियरेंस। ये क्या है, पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं वो वॉलेंटरी है यानी कि कंपल्सरी नहीं है, राइट? सो यहाँ पे कोर्ट का इंटरफियरेंस नहीं होता। बट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म व्हेनेवर रिक्वायर्ड कोर्ट इंटरफियर, अगर रिक्वायरमेंट है तो कोर्ट उसमें इंटरफियर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट। इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देर मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे पार्टनरशिप में चेंजेस आने से, पार्टनरशिप खत्म होने से पार्टनरशिप फॉर्म खत्म नहीं होता। बट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देर इज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व। बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, क्लोज। So this is the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership form. So हम इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, जितना हमने आज किया है थियरी उसको आप रीड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू पॉइंट्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।